ओके, हेलो एवरीवन, मैं धीरज कुमार, आप सभी लोगों का विजन अकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे रेशो प्रोपोर्शन की मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, आपके एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन जरूर आता है। SSC का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में में से क्वेश्चन कंपलसरी बनता ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग क्या होता है। आइए हम शुरुआत करते हैं इसको। टाइप का नाम है रेशो प्रोपोर्शन में आता है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। क्या था आपका? इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम क्या होता है? इनकम को हिंदी में आप बोलते हैं आय, नाम से क्लियर है इनकम। आप सभी लोग कुछ ना कुछ आप अर्न करते हो लाइफ में, कुछ ना आपने कमाई होगा। तो इनकम क्या होता है? एक टर्म आती है आपके बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोलता हम, खर्च बोल लो, आपका जो भी आप मंथली या ईयरली आप खर्च करते हो एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या होता है? कि जो भी आपने कमाया इसमें, तो आपने जो खर्च करा, जो आपका बच गया, वो आपका हो गया सेविंग हो गया। एग्जाम्पल क्लियर करता हूँ आपको। सपोज करो आपकी इनकम 5,000 रुपये है, आप महीने पर 5,000 रुपये कमाते हो और हर महीने आप 3,000 रुपये उसमें से खर्च कर देते हो। आप कितने बार बच्चों? आप 5,000 रुपये कमाते हो और आपने 5,000 तो कम है, कोई दिक्कत नहीं, आप 5,000 कमाते हो। चलो 50,000 आप कमाते हो, 50,000 रुपये से आप 30,000 रुपये क्या है, हर महीने पर आप खर्च कर देते हो। तो कितना बच रहा है आप बेचारो महीने पर? 20,000 रुपये आप क्या हर महीने पर बचा रहे हो। तो बेसिकली इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपने 30,000 खर्च कर दिए, उल्टा बोला जाए ये 30,000 आप खर्च कर रहे हो, 20,000 बचा रहे हो, तो इनकम कितनी होगी? 50,000 रुपये। इनकम होगी 50,000। तो आया कैसे पैसा? तो आपका जो भी आपका इनकम होता है बच्चों, जो भी आपका बच्चों इनकम होता है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर, इतना भी आप खर्च कर रहे हो, प्लस सेविंग। जो भी आपकी इनकम निकल के आती है, इनकम हमेशा होता है बच्चों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आपका इनकम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेविंग कैसे निकल के आएगी, सेविंग कैसे निकल के आएगी, वही अगर आप 50,000 कमा रहे हो, 30,000 खर्च कर रहे हो, कितना बचा रहे हो? 20,000। 20,000 आए कैसे? आपने 50,000 में 30,000 माइनस कर दिया। वही सेविंग कैसे निकल गई बच्चों? सेविंग में कुछ नहीं, अगर सेविंग निकाल लो आप बोल दें, तो सेविंग क्या होता है बच्चों? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग की बात करें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वही अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चे की बात करें, खर्चा क्या आएगा बेटा? इनकम माइनस सेविंग। पेपर में कुछ भी इनकम निकालने को बोले, एक्सपेंडिचर निकालने को बोले, सेविंग निकालने को बोले, सार का सारा इससे निकल के आ जाएगा। इनकम की बात करें एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर सेविंग की बात करें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर की बात करो तो इनकम माइनस सेविंग आपका निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर करता हूं मैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने का रीड करिए एक बार। आपको क्या गिवन है? द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3। इफ बोथ ऑफ देम सेव 6,000 रुपीज ईच, इसमें बेटा ईच आना था, एंड फाइंड द इनकम ऑफ ए। आपको रेशो दिया है, दो पर्सन है ए और बी, उनकी इनकम का आपको बच्चों क्या दिया है? रेशो दिया है। देखो आपको बच्चों, आपको बोला है दो पर्सन, एक ए है एक बच्चों बी है, आपको इनकी इनकम का बेटो रेशो दिया है। क्या दिया इनकम रेशो? 3:4। आपको इनकम का रेशो दिया है 3:4, और आपको आगे बोला है एंड देयर एक्सपेंडिचर, इनके खर्चे की बात करो, इनके खर्चे का अनुपात क्या है बच्चों? उनके व्यय का अनुपात कितना है? 2:3। अगर उनके खर्चे की बात करूं बच्चों, इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं, कितना बेटे बच्चों? 2:3। और आपसे बोला कि अगर दोनों के दोनों प्रत्येक आदमी या प्रत्येक पर्सन 6,000 रुपये बचाता है, तो आपसे पूछिएगा बच्चों ए की इनकम पूछिए। कितने पूछिए आपसे? ए की इनकम पूछिए। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन में सेविंग की बात करूं, तो अगर सपोज ए 3 रुपए कमा रहा होता, एक आदमी ए है 3 रुपए कमा रहा है,
कितने खर्च कर रहा है बच्चों? दो खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है? एक रुपये बचा रहा है। सेम अगर बी की बात करो, बी कमाता है 4 रुपये कमा रहा होता, कितने खर्च कर रहा है बच्चों? तीन खर्च कर रहा है, कितना जा रहा है? वो 1 रुपये बचा रहा है। दोनों के दोनों कितने बचा रहे बच्चों? 1 रुपये बचा रहा है। लेकिन आपसे बोला 1 रुपये नहीं बच्चों, वो कितने सेव करते हैं? ईच आदमी 6,000 रुपीज सेव करता है। कितना करता है? एक नहीं करता बच्चों, 6,000 रुपये। यानी आपकी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6,000 रुपये। तो आप सब एक की वैल्यू आ गई, आपसे किसी सब की वैल्यू निकल जाएगी। आपसे वैल्यू पूछी गई बच्चों, आपसे बोल रहा है एक की इनकम ज्ञात करो। ये कितना कमा रहा था बच्चों? एक कमा रहा था, तीन वैल्यू कमा, एक की वैल्यू 6,000, तीन को जाएगी बच्चों 3 × 6, यानी एक की इनकम आ गई बेटा 18,000 रुपये। यानी एक इनकम है आपकी 18,000 रुपीज। अगर ये सेम क्वेश्चन बी की इनकम बोलता, बी की इजी निकाल लेते, बी 4 कमा रहा था बेटा, 4 × 6, यानी बी की इनकम बोलता तो कितना आता बच्चों? 24,000 रुपये। अगर आपको क्वेश्चन प्रूफ भी करना हो, वो भी करा देता हूँ। कितना खर्च कर रहा है बेटा? दो खर्च कर रहा है भाई, 18 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है? दो, दो क्या लिखना जाएगी बच्चों? 2 × 6,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये खर्चा बोलता है। इसका एक्सपेंडिचर निकालते 12,000 आता है। बी का वो बोलता है एक्सपेंडिचर, यहाँ भी 6,000 रुपये। कितना का बच्चों? एक बार एक रेशो की वैल्यू आ जाए, तो आप जिस किसी की इनकम बोले, एक्सपेंडिचर बोले, सेविंग बोले, सबका सब निकाल सकते हैं। बोलो ना, ये 18,000 कमा रहा है बच्चों, 12 खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है? 6 बचा रहा है। वो 6 ही आपको क्वेश्चन बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशो 4:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ ईच ऑफ देम सेव 900 रुपीज इन द ईयर एंड फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ बी। सेम क्वेश्चन है, आपको रेशो दिया है, सेविंग भी दे रखी है। आप इनकम पूछे बेटा, बी की इनकम निकाल लें। चलो तो करते हैं क्वेश्चन को। आपको ए और बी दो पर्सन है, आपको इनकम का रेशो दिया है, कितना है बच्चों? 4:3। और आपके इसके एक्सपेंडिचर रेशो दिया है, खर्चे का, कितना है बच्चों? 3:2। वही केस बन गया। अगर बच्चों एक कमा रहा है 4 रुपये, तीन खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है? ये भी एक बचा रहा है। बी कमा रहा है तीन, कितना खर्च कर रहा है? दो खर्च कर रहा है। ये भी कितना बचा रहा है बेटा? एक। लेकिन एक ने कितना खर्च बचाते हैं बेटा? वो 900 रुपये पर ईयर बचा रहा है। कितने दोनों बचा रहे हैं? 900 रुपये। यानी एक की वैल्यू आ गई आपकी 900। तो आपसे पूछा क्या? अब एक की वैल्यू 900 आ गई, तो आप जिसका भी बोले उसका निकाल दो। आपसे क्वेश्चन ने पूछा बेटा बी की इनकम पूछिए, बी कितने कमा रहा है? तीन कमा रहा था बच्चों। एक रेशो की वैल्यू कितनी? 900, तीन को जाएगी बच्चों 2,700 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर, आपका बच्चों बी इज द राइट आंसर है। आपका बी की इनकम कितना बच्चों? 2,700 रुपये का आपका बी की इनकम है, यानी बी इतना कमा रहा है। ये तो इसका बेसिक टाइप थी, दो क्वेश्चन किए थे मैंने, नॉर्मली आपका निकल जाता है। अब इससे नेक्स्ट, इसमें एक नेक्स्ट टाइप आती है इसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर पर, वो हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में आया हुआ बहुत बार है, एक बार रीड करिए। आप बोला द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर 2:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंस आर 5:9। इफ ईच ऑफ देम सेव 600 रुपीज पर मंथ एंड फाइंड देयर मंथली इनकम। आपसे ए और बी दोनों की इनकम पूछी है, ए की भी निकालनी है आपको बेटा, बी की भी निकालनी है। फिर तो एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखो बच्चों, आपको जो दिया वो करते हैं, आपको ए और बी की इनकम दिया बेटा। क्या दिया बच्चों? ए और बी की आपको इनकम दी है, कितनी दी है बच्चों? 2:3। अगर उनके खर्चे की बात करो, क्या खर्चा दिया आपको? इनका एक्सपेंडिचर दिया 5:9। इसका खर्चा क्या है? 5:9। अब सेम क्वेश्चन देखो, अगर कोई आदमी सपोज हो 2 रुपये कमा रहा है बच्चों, कितना कमा रहा है? 2 रुपये कमा रहा है, और ये 5 रुपये खर्च कर रहा है, पॉसिबल है कभी? आपकी इनकम 2 रुपये है, वो 5 रुपये खर्च करो, कैसे खर्च कर दोगे आप? सेम ऐसी बी है, बी कमा रहा है कितना? 3 कमा रहा है, खर्च ना कर रहा है बच्चों, 9 रुपये खर्च कर रहा है। कहीं बैंक तो लुटेगा नहीं, वो 9 रुपये खर्च कर देगा। कमा 2 रहा है, खर्च 5 कर रहा है, अभी 3 कमा रहा है, यानी 9 खर्च कर रहा है, पॉसिबल तो नहीं है। तो मतलब आपको इसको रेशो आपको गलत दिया गया है। आप सबसे पहले काम क्या करना है, रेशो आपको इक्वल करना है। अब रेशो इक्वल कैसे करते हैं? बहुत ईजी है रेशो इक्वल करना।
इनके बीच का गैप लो, इनके बीच का गैप देखो, इनके अंदर का गैप कितना है बेटा, ऊपर गैप कितने का है, एक का, नीचे के गैप कितने का बच्चों, चार का, गैप मतलब डिफरेंस, यहाँ कितने गैप है बच्चों, एक का गैप है ऊपर इनकम में, नीचे उसमें कितने बच्चों गैप है, कितने का, चार का गैप है। जो भी आपका गैप का डिफरेंस है, जो भी आपका गैप आया डिफरेंस है, उसकी बेटा अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बेटा, अपोजिट आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितने का एक का, कितना चार, नीचे चार गुना कर दो ऊपर वाले में दोनों में, और एक गुना कर दो नीचे वाले में, तो आपका रेशियो बच्चों इक्वल बन जाएगा। कैसे करेंगे, रेशियो कितना चार था, इसी गुना कर दो ऊपर, चार दूनी आठ, चार तिया 12, तो इनकम का रेशियो हो गया 8 12, सेम ऐसे ऊपर गया कितने बच्चों, एक का है, इसी नीचे कर दो, पांच का पांच, एक ही करो 9 में, 9 का बच्चों 9, कुछ नहीं करना, रेशियो इक्वल करना आपसे इजी है। जो भी आपका गैप हो, ऊपर गैप कितने का है बच्चों, एक का आया, नीचे कितने बच्चों आया आपका गैप आया, चार का, पर 9 में से 5 गया 4, 3 में 2 गया 1, जो भी गैप आया नीचे वाले गैप की ऊपर वाले की नीचे वाले इक्वल करना, चार ही करी इसमें, चार दुनिया आठ, चार दिया 12, एक ही करी 5 का 5, 9 का 9, अब आपका रेशियो इक्वल हो गया, आपका क्वेश्चन पहले वाला बन गया। देखो बच्चों, ये कितना कमा रहा था बच्चों, ये कितना कमा रहा है, 8 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है, 3 बचा रहा है, सेम ऐसे भी 12 कमा रहा है, 9 खर्च कर रहा है, कहते कितना बचा रहे हैं बेटा, दोनों के दोनों 3 बचा रहे हैं, लेकिन आप सोलह 3 रुपए नहीं, कितने बचा रहे हैं तो 600 रुपए बचा रहे, कितना बचा बच्चों 600 रुपए, 3 की वैल्यू क्या बच्चों, 3 की वैल्यू कितनी बेटा, इस 3 के लिए कितने 600, तो 1 की निकालूंगा, कितने बच्चों आ गए 200 रुपए बच्चों, 1 की आ गई, पर 3 रेस 12 कमा रहा है, 9 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है, 8 कमा रहा है, 5 का 3 कर रहा है, लेकिन 3 बचा रहे हैं 600, 3 की वैल्यू 600, 1 की आ गई, 3 दूनी 6, 200 रुपए, अब 1 की वैल्यू आपकी 200 रुपए आ गई। अब तो कुछ करना ही, आपसे पूछा बच्चों क्या है, ए और बी की इनकम पूछी है, क्या बोलते, ए और ए कितना कमा रहा था बेटा, ए कितना 8 है, 1 की वैल्यू बेटा 200, 1 क्या जाएगी, 1 क्या जाएगी 8 दूनी 1600, बी कितना है 1200 है, तो 12 गुना 200, यानी बच्चों ए बी की इनकम 2400, ए की इनकम बच्चों 1600, तो आपका ऑप्शन नंबर बेटा बी इज द राइट आंसर, यानी ए कमा रहा है बेटा 1600 रुपए, बी कमा रहा है आपका 2400, आई होप आप लोग क्लियर होगा, बहुत इजी है, अगर आपका रेशियो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप कर देना, अगर इनके साथ आपका रेशियो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं, आप एक बार रेशियो इक्वल करो, रेशियो इक्वल करना सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ मत करना, आप डिफरेंस को इक्वल कर देना ऊपर नीचे वाले को, क्रॉस गुणा कर देना, आपका रेशियो सेम बन जाएगा, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन अभी करते हैं नेक्स्ट, आप लोग ट्राई करना, देखो बच्चों क्वेश्चन बढ़िया, एक बार सेम क्वेश्चन है, रेशो चेंज है बस, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:7 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, इफ ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज एंड फाइंड द सम ऑफ देयर इनकम। अच्छा क्या बजा आपको, सब पूछा है ए और बी मिलकर कितना कमाते हैं, आपसे सब पूछा है, तो वही आप देखिए इनकम दे रखा आपको, तो सेम करेंगे बेटा, आप एक बार चेक करते हैं, ए और बी है, इनकम का रेशो क्या दिया है 9:7, अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं, खर्चे की बात करूं, कितना है बच्चों 4:3, अब बोला दोनों को दोनों ईच ऑफ देम, दोनों इक्वली कितना बचा रहे हैं 200 रुपए बचा रहे हैं, दोनों बचा रहे हैं सेम, अब देखो एक कमा रहा है 9 रुपए, एक खर्च कर रहा है 4 रुपए, एक कमा रहा है 9, खर्च कर रहा है 4, कितने बचा रहा है बच्चों 5 बचा रहा है, सेम बी कमा रहा है 7, खर्च कर रहा है 3, ये तो बता रहा है 4 रुपए बचा रहा है, कितना बचा रहा है बच्चों 4 रुपए, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, आपसे क्वेश्चन बोला दोनों के दोनों बच्चों क्या बेटा इक्वली बटाते हैं, इक्वली क्या बचा रहे हैं, 9 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है 5, यानी 7 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है 4, दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको रेशियो बच्चों क्या करना इक्वल बनना, इक्वल कैसे करेंगे, वही सेम आपको दिया था, डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस बच्चों 1 का डिफरेंस है, कितना बच्चों 9 में 7 गया 2 का, ऊपर डिफरेंस 2 का, नीचे 1 का, अब क्रॉस गुणा कर दो, 1 ही करेंगे, 9 का 9, और 7 का 7 आ गया, 2 का 2 4 8, 2 3 6, इनकम का रेशो 9:7 आ गया, एक्सपेंडिचर का बेटा 8:6 आ गया, अब लगा दीजिए भाई, 9 रुपए कमा रहा है
8 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। सेम ऐसे 7 रुपए कमा रहा है, 6 रुपए खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है बच्चों? 1 बचा रहा है। दोनों मिलन 1 बचा रहे, लेकिन आप 16, 1 रुपए नहीं बच्चों, वो बचाते हैं 200 रुपए। कितने जा रहे हैं? 200 रुपए, यानी 1 की वैल्यू होगी बेटा 200 रुपए। अब पूछा गया आपसे इनका सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, दोनों की इनकम का सम पूछा है। एक इनकम पूछता तो कितनी आती? 9 गुणा 200, एक इनकम आपकी 1800 रुपये आ गई। बिग इनकम बोलता कितनी आती बेटा? 1400 रुपये ही आपकी एक इनकम आ गई बच्चों, आपकी बच्चा आ गई बी की। आपसे पूछा क्या? दोनों की इनकम का सम बोला है। क्या बोला है? सम बोला है। कितना बचा? दोनों को जोड़ दो, यानी कितना आया? 3200 रुपये आपका आया। कितना बचा है? 3000। दोनों ए और बी मिलकर 3200 रुपये कमा रहे हैं। क्लियर हुआ? बहुत ईजी है, जैसा आपको क्वेश्चन बोला जाए स्टेप बाय स्टेप ऐसा करते रहिए, आपका इजीली आंसर है। रेशियो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो इक्वल नहीं, आप रेशियो इक्वल को नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी तक क्या थे बच्चों? 2% थे ए और बी, अभी तक कहते खाली 2% थे ए और बी, अब 3 आ गए ए बी एंड सी। क्वेश्चन रीड करिए, ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर 2:3:5। सी मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन ए। आप बोला सी का जो भी मासिक वेतन है वो इससे 12,000 रुपये क्या ज्यादा है, अधिक है। तो आपसे बी की पूछिए एनुअल सैलरी, पूछिए क्या आपसे एनुअल, आपको दे रखी है मंथली सैलरी। कुछ नहीं, सेम करेंगे बच्चों। देखो आपको क्या दिया? इनकम का रेशो दिया ए, ए की बात करें, बी की, सी की। इनकी इनकम का रेशो दिया आपको 2:3:5, इनकम का 2:3:5 है। और आपको क्या बोला है? सी की मंथली सैलरी क्या है? 12,000 रुपये ज्यादा है बेटा ए से। सी पर आते हैं, ए पर आते हैं। अगर सी बच्चों 5 रुपये कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 5 रुपये कमा रहा होता है, ये कितना कमा रहा है बच्चों? 2 रुपए कमा रहा है। तो अगर सी ए 5 कमा रहा है, ए 2 कमा रहा है, तो सी ए से कितने फालतू कमा रहा है, एक्स्ट्रा कमा रहा है? 3 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। कितने कमा रहा है बच्चों? 3 रुपए बेटा वो सी आपका ए से एक्स्ट्रा कमा रहा है। लेकिन आपसे बोला 3 रुपए नहीं बच्चों, आपसे बोला है सी है वो कमा रहा है 12,000 रुपये मंथली पर ज्यादा कमा रहा है। कितना कमा रहा है बेटा? 12,000 रुपये कमा रहा है मंथली। तो 3 के लिए कितनी बेटा? 12,000 रुपये आ गई। तीन के लिए बेटा आ गई 12,000 रुपये। भाई ए कमा रहा है 2 रुपये, सी कमा रहा है 5 कमा रहा होता बच्चों, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 3 रुपये ज्यादा एक्स्ट्रा कमा रहा है। लेकिन आपसे बोला है क्वेश्चन 3 रुपये नहीं, रेशो बेटा वो कमा रहा है 12,000। तो 3 की वैल्यू कितनी बेटा? 12,000 है। और आपसे पूछा गया बच्चों, आपसे बी की पूछिए, क्या पूछा? बी की एनुअल सैलरी पूछिए। अगर बी की बात करें, बी कितना कमा रहा है बच्चों? बी कमा रहा है 3 कमा रहा था, 3 की वैल्यू कितनी बेटा आई? 12,000। 3 की आ जाएगी बच्चों 12,000 रुपये। अगर आपसे मंथली सैलरी बोलता बी की, तो आपका आंसर बेटा 12,000 रुपये आपका आंसर होता। लेकिन आपसे पूछा है क्या? सी की एनुअल इनकम पूछी है। कितनी पूछे बच्चों? सी की एनुअल इनकम पूछी है। और आप सभी जानते हैं एक साल में दिन होते हैं, महीने होते हैं 12। एक महीने के 12 कमा रहा है, पूरे साल कितना कमाएगा बच्चों? पास कर दो, 1,44,000 रुपये आगे इसकी एनुअल सैलरी। आपका आंसर क्या बेटा? 1,44,000 क्या बेटा? बी की क्या है? एनुअल सैलरी। मंथली बोलता या एनुअल बोले, सेम आपको करना है। ए बी सी 3% थे, 2, 3, 5 इनके इनकम का रेशो था। सी कमा रहा था कितना? 3 रेशो था कमा रहा है, बोला सी 3 नहीं 12 कमा रहा, 3 कर लो 12। तो बी बी की एनुअल पूछा है, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 12 गुना कर देंगे तो आपकी बी की इनकम निकल आएगी 1,44,000 रुपये का इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी लोगों को ये टाइप क्लियर होगी इनकम एक्सपेंडिचर की। इस टाइप इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे उसी प्रपोर्शन की। थैंक यू।